ऐसा कोरियन मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है ट्रोल फैक्ट्री। इसे देखने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग बहुत अच्छी की गई है और चाहे तो आप इसे फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें एक पत्रकार को दिखाया गया है जिसके करियर का वॉट लग चुका है, मतलब उसका बहुत ही बुरा समय चल रहा है। एंड तभी वह एक लड़के से मिलता है एंड उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो आखिर का वह लड़का कौन है एंड जो वह पत्रकार है वह किस मुसीबत में पड़ गया था, क्या अब वह उस मुसीबत से बाहर निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म बहुत ज्यादा स्लो एंड बोरिंग है, आपने ठीक सुना, फिल्म बहुत ज्यादा स्लो एंड बोरिंग है, आपका सब्र का इम्तिहान लेती है। फिल्म देखने में इतना बढ़िया नहीं लगता है, फिल्म बहुत ज्यादा स्लो है, आप फिल्म से उब जाते हैं। फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी अच्छी है पर फिल्म इतना ज्यादा स्लो एंड बोरिंग लगती है कि फिल्म देखने का मन नहीं करता है और फिल्म का जो स्टोरी है वह थोड़ा सा पेचीदा है। यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान से स्टोरी को देखना होगा क्योंकि स्टोरी पास्ट एंड प्रेजेंट में चलती है, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खोलकर फिल्म को देखना होगा। दिमाग को स्विच ऑफ किए तो पूरा फिल्म स्विच ऑफ हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करो तो सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करो तो जी हाँ, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि फिल्म इतना खास नहीं है, फिल्म बोर करती है, स्लो है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा और चाहे तो फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।